सीएसके जीता और राजस्थान हारा। सीएसके की बॉलिंग, वो जॉस बटलर ने सिक्स मारा उसके बाद गेम चेंज हुई थी, उससे पूरा गेम ही चेंज हो गया क्योंकि वो सूखी बॉल मिली और बॉल में टर्न, आज पिच में टर्न तो था स्पिनर्स के लिए और वो बोल्ड हो गए। और उसके बाद इंडियन बैटिंग थोड़ी वीक है राजस्थान की भी, तो एक के बाद एक विकेट फेंकते चले गए सब की सब। तो मैच तो जीता ही इस बार रविंद्र जडेजा ने, गेम चेंज कर दिया था पूरा। और ड्वेन ब्रावो की बैटिंग, वो 20 रन उनके बहुत काम आ गए, अगर वो 20 रन नहीं होते ना तो इस बार सीएसके को बहुत दिक्कत जाती। और संजू सैमसन को कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, मनन वोरा के लिए टफ कॉल्स लेने, मैं तो कह रहा हूँ यशस्वी जायसवाल को खिलाइए, मनन वोरा बहुत बढ़िया प्लेयर है पर यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहिए। और चेतन सकारिया क्या बॉलिंग करी है भाई उन्होंने, कल बहुत बढ़िया बॉल डाला है उन्होंने। तो फाइनल कंक्लूजन है इधर, अभी सीएसके के लिए तो ठीक चालू, उनका नेट रन रेट भी बहुत ऊपर हो गया, आरआर को टफ कॉल्स लेने होंगे उनकी बैटिंग के लिए। बॉलिंग के लिए तो कैसे तैसे विकेट्स निकाल दे रहे, पर बॉलर्स में भी क्रिस मॉरिस का भी महंगे जा रहे हैं। और मैंने ये मैच के लिए 5 प्रेडिक्शंस गिरी थी, उसमें सिर्फ 2 ही वो राइट आई। पहली तो एक क्रिस मॉरिस ने विकेट्स ली जो उनका बोला था, और एक मेन प्रेडिक्शन जो मैच सीएसके जीते और वो जीती, ऋतुराज गायकवाड़ रन नहीं बनाए, मनन वोरा अच्छे दिख रहे थे वो बना नहीं पाए। तो ये था मैच का हाल।